हाउ आर यू एवरीवन, ऑल ओके? बहुत बढ़िया जी। सो बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, टॉपिक एसिम्प्टोट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 एमएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बच्चे जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के लिए दे विल फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ ने पढ़ा हो, शायद किसी ने नहीं पढ़ा हो, किसी ने किसी को पढ़ाया हो, तो आप लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझ के इसको सॉल्व करते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो सब बात की बात है। अभी तो मैं मान के चलूँगा और आप लोग भी ये मान के चलिए कि एसिम्प्टोट्स आपके लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके से आप लोगों ने शायद ही इसे कोशिश की होगी पढ़ने की, बिकॉज इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे और भी बहुत नई नई बातें सीखेंगे बच्चों एसिम्प्टोट्स में, ठीक है? एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ही डिटेल में ये यूज़ होता है। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे पहले एसिम्प्टोट्स, और एक छोटी सी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है? डेफिनेशन इज, इट इज द लाइन वेयर द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड कर्व इज approaches to zero as x approaches to plus minus infinity or y approaches to plus minus infinity. Asymptote किसी भी function में एक तरीके की line होनी चाहिए जहां पे curve उस line को approach करे। एक छोटा सा example दूंगा बच्चों, ध्यान से देखना फिर लिख लेना नाम से। देखो बच्चों, ये मेरा coordinate है, ये मैंने y बराबर के एक लाइन खींची और ये मैंने इसका डायग्राम बनाया, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको ये सबको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता जा रहा है, कर्व इस लाइन के पास आता जा रहा है, कर्व इज गोइंग टू अप्रोच दैट लाइन। बोलो, तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, ये ओरिजिनल क्वाड्रेंट है बच्चों, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस लाइन का और इस कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो अप्रोचेस टू जीरो होता जा रहा है। हो रहा है यार? देखो ना आराम से, x बढ़ा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है मान लो y बराबर एफ एक्स का डायग्राम है, x बढ़ा तो कर्व इस लाइन के पास आ रहा है और इस लाइन और इस कर्व के बीच का डिफरेंस अप्रोचेस टू जीरो होता जा रहा है। देखो, इट इज द लाइन वेयर द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड कर्व, डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड कर्व इज अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो कर्व की जो वाई वैल्यू आएगी वो अप्रोचेस टू दिस लाइन होगी, वो अप्रोचेस टू के आएगी। तो कर्व की वाई वैल्यू, लाइन की वाई वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? जीरो। तो बच्चों, इस लाइन को कहेंगे, इस लाइन को एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स टू दैट कर्व। सो व्हेनेवर कर्व इज अप्रोचिंग टू एनी लाइन as x approaches to plus infinity, that line is called asymptotes to that curve. So simple. Curve is not going to cut that line. Curve is not going to touch that line. Agar touch kar dega ya cut karke nikal jayega, so there is no concept of asymptotes. Asymptotes ka concept kab realize hoga, kab banega? Jab curve us line ko approach karega. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जो कर्व का वाई वैल्यू है वो अप्रोचेस टू के, के के पास आ रहा है। एक और डायग्राम बनाओ, मान लो ऐसा बनाता हूं, इसमें मान लो अब फंक्शन का डायग्राम ऐसा बन रहा है, इसमें भी ऐसा ही है ना, एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर्व इस लाइन के पास आ रहा है, अगेन के इधर आओ, as x approaches to minus infinity curve इस लाइन के पास आ रहा है,
देखो ना माइनस इन्फिनिटी, इधर आओ, एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी वाई अप्रोचेस टू के, सो सिंपल इजी। मतलब इन चारों में से कोई भी एक दो तीन कोई भी कर्व बन सकते हैं हमारे एसिम्प्टोट्स को लेके। अच्छा बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के प्लस, के से थोड़ा सा ऊपर हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ के माइनस, के से थोड़ा सा नीचे हूँ, इसको के प्लस, इसको के माइनस, थोड़ा ऊपर नीचे है ना, अप्रोच कर रहा है ना, एग्जैक्टली इक्वल टू थोड़ी जा रहा है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो वाई बराबर के इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका क्या बना बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जो फंक्शंस वैल्यू आएंगी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे जो फंक्शन वैल्यूज आएंगी वो फंक्शन वैल्यू के आ रही है, तो इस के को कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। चेक कर लो ना एक्स के इन्फिनिटी और एक्स के माइनस इन्फिनिटी में वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई मतलब फंक्शन वैल्यू, सो दैट वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टली अप्रोच कर रहा है कर्व किसी लाइन को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो व्हेनेवर एग्जामिनर आस्क यू टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यू विल डू लाइक दैट, यू विल डू लाइक दैट, कुछ इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिखिए बच्चों इसको आराम से। पहले बच्चों पूरा ध्यान देते हुए चलना है यार, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में आपको, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा आपको, हाउ टू मेक दी ग्राफ, हाउ टू फाइंड आउट एसिम्प्टोट्स, एन नंबर ऑफ थिंग, ठीक है, ओके आगे आते हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल के बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट। देखो कैसे, ये है यहां पे, मान लो ऐसा डायग्राम बनाया, ऐसा ये x बराबर h की लाइन है, क्या आप सबको समझ में आ रहा है, जब y इन्फिनिटी जा रहा है कर्व इस लाइन के पास आ रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस अप्रोचेस टू क्या हो रहा है, जीरो। जब y इन्फिनिटी जा रहा है, भाई वर्टिकल बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है ना, तो जब y इन्फिनिटी जा रहा है बच्चों तो कर्व इस x वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, h को। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं एज एक्स अप्रोचेस टू एच वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चेक कर लो, इत्थे आ जाओ, कम हियर, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू, नॉट एक्स अप्रोचेस टू, व्हेन वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी देन एक्स अप्रोचेस टू एच अगेन, इधर आओ, एज वाई अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x approaches to h again, as y approaches to negative infinity x approaches to h again, so this line is called vertical asymptote, so simple bachcho, isko h plus bol sakte hain, h se thoda aage hu, isko h minus, h se thoda piche, isko h minus, isko h plus, ठीक है। तो अगर आप दोनों सिनेरियो मिलाना चाहो, देखो डेफिनेशन मैच करेगी ना, इट इज द लाइन वेयर द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड कर्व इज अप्रोचेस टू जीरो एज वाई अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी वाला पीछे मैं करा चुका हूँ। मोटी मोटी बात एक ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वो था जहां पे एक्स के इन्फिनिटी और वाई एक्स के माइनस इन्फिनिटी में वाई एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा था विच वॉज के। वर्टिकल एसिम्प्टोट के सिनारियों में वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स एक फाइनाइट है बट वो किस पे आ रहा है, वाई के इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे। तो एक्स के प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में जो वाई फाइनाइट आता है उसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहते हैं और वाई के इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जो एक्स फाइनाइट आता है उसे वर्टिकल एसिम्प्टोट कहते हैं। दोबारा रिवाइंड करके इस लाइन को सुन लीजिए, फाइन, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आगे और भी टॉपिक्स हैं, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बहुत जगह यार, बहुत जगह इस टॉपिक का बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज है, ठीक है। सो अभी आप इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले, बढ़िया बढ़िया वाले, मजा आ जाएगा आप लोग, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, ओके बच्चों, सो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन इट, एक सवाल करते हैं इस पर हम लोग, एंड सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे इसके क्वेश्चंस पे।
यू विल अंडरस्टैंड और लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1. दिस इज द क्वेश्चन वी हैव. बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट एंड वर्टिकल एजिम्प्टोट निकालिए, और उसे निकालने के बाद, उसको निकालने के बाद क्या कीजिए, उसको निकालने के बाद ग्राफ बनाइए. ठीक है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि x के नॉट डिफाइन पे जो y फाइनाइट आता है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और y के नॉट डिफाइन पे जो x फाइनाइट आता है उसे वर्टिकल बोलते हैं. ठीक है, तो पहले लेट्स बी फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट्स. लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व बताइए. अगर मैं x कॉमन लूंगा तो 2 प्लस 1 बाय x, यहां से x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1 बाय x. बच्चों ये और ये कैंसिल होगा. इन्फिनिटी डालिए, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1. सिमिलरली एक बारी माइनस इन्फिनिटी लेके चलिए, सेम कर लो बच्चों, समथिंग बाय माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो 0 2. सो y बराबर 2 इज हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट. ठीक है, y बराबर 2 इज हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट. आगे आते हैं बच्चों, देखो वर्टिकल एजिम्प्टोट. वर्टिकल एजिम्प्टोट वो वैल्यू होती है x की जिसपे y नॉट डिफाइंड आता है. याद करो जो h बढ़ाया था ना, x बराबर h पे y नॉट डिफाइंड आ रहा था. तो बताओ जरा किस x पे बच्चों y नॉट डिफाइंड आ सकता है जब डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 किस x पे होगा, 1 पे. तो x बराबर 1. सो नाउ लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस चेक कीजिए क्या होगा. लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 क्या आएगा गाइस, 3 प्लस h अपॉन h, 3 बाय 0 कितना आ गया, इन्फिनिटी. बच्चों ये पता मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, आपके टीचर या आप लोग जिस भी पढ़े, काफ़ी लोग ये चीज़ आपको चेक नहीं कराएंगे. देखो याद है h प्लस पे h माइनस पे दोनों पे ग्राफ कभी कभार बने था ना इस तरीके से, फाइन. तो हमें देखना पड़ेगा कि h से थोड़ा सा आगे पीछे ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है, तो 1 से थोड़ा सा आगे पीछे ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर को चेक करने के लिए ये निकालना अत्यधिक आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इन दिस वे 1 प्लस निकला, सिमिलरली 1 माइनस, ये तो याद होगा ना, कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा हुआ है आपने इस तरीके से, 1 माइनस एच, लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, 2 1 माइनस एच प्लस 1, 1 माइनस एच माइनस 1, वी हैव 3 माइनस एच बाय माइनस एच, माइनस 3 बाय 0 विच इज माइनस इन्फिनिटी. सो सिंपल. ठीक है, ओके, सो नाउ अब बनाते हैं इसका चित्र यानी कि डायग्राम. ठीक है, देखना बच्चों ध्यान से. ठीक है बच्चों, ये ओरिजिनल क्वाड्रेंट है, ये रहा हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट y बराबर 2, और ये रहा वर्टिकल एजिम्प्टोट x बराबर 1. ठीक है, अब प्लीज ध्यान से ग्राफ देखिएगा सारे बच्चे. देखो बच्चों, मैंने यहां थोड़ा सा ना छोटा सा भी ले रहा हूं ग्राफ एक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. देखो अब हमें पता है, पहले हॉरिजॉन्टल देखो, x के इन्फिनिटी पे y किसको बिलोंग कर रहा है, 2. देखो कुछ टीचर ना डब्बा मेथड से ग्राफ बनवा देते हैं, मैं कंसेप्चुअली ग्राफ बनाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बढ़िया तरीके से समझ आएगा आपको. जब x इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है तो y 2 को बिलोंग कर रहा है, ये रहा x का इन्फिनिटी, ये रहा y का 2, तो या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, वर्टिकल है ना, इसको भी ध्यान में रखना है. तो या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है या ग्राफ ऐसे जा सकता है, ये दोनों ग्राफ कहते हैं. जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ग्राफ जो है y 2 को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना y 2 को बिलोंग, बट x के इन्फिनिटी पे y 2 को बिलोंग इन दो तरीके से कर सकता है,
बट मुझे वर्टिकल एसिम्प्टोट का भी ध्यान में रखना है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ मुझे पहले बताओ कहां बने, वन के राइट में वन के लेफ्ट में? राइट में। वन के राइट में ग्राफ बनने का मतलब क्या है? वन प्लस और वन माइनस? वन प्लस। और एक्स के वन प्लस पे वाई किसको बिहेव कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो वन से आगे वाई किसको बिलोंग कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो कभी भी दूसरा वाला ग्राफ नहीं हो सकता, पहला वाला ग्राफ होगा, क्योंकि पहला वाला दूसरा वाला ग्राफ वन प्लस पे वाई माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, बट एक्स के वन प्लस पे वाई माइनस इन्फिनिटी नहीं है, वाई क्या है? प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला ग्राफ मेरी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्या? एक्स के इन्फिनिटी पे वाई टू, एक्स के इन्फिनिटी पे वाई टू, और एक्स के वन प्लस पे वाई इन्फिनिटी। तो इसलिए इसमें बनेगा ऐसा ग्राफ, एक्स के इन्फिनिटी पे वाई टू और एक्स के वन प्लस पे वाई इन्फिनिटी। अगर हॉरिजॉन्टल को देख के बना रहे हो तो वर्टिकल की भी टेक केयर करके रखनी है, और वर्टिकल को देख के बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल की भी टेक केयर करके रखनी है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है आराम आराम से, रिवाइंड करके दोबारा देखो, यही तो फायदा है वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का, ठीक है? अब एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे भी वाई टू को बिलोंग कर रहे हैं, ये रहा एक्स का माइनस इन्फिनिटी, वाई टू बोले तो ये और ये दोनों में से कौन सा? जी दोनों ग्राफ कहां बन रहे हैं? वन से पीछे, यानी वन माइनस, वन से पीछे जस्ट वन माइनस, और वन माइनस से वाई किसको बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। तो बताओ पहला वाला दूसरा वाला? दूसरा वाला यार, वन से पीछे वाई माइनस इन्फिनिटी और एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे वाई टू, ऐसा बनेगा ग्राफ, एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे वाई टू और एक्स के वन से पहले वाई नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है? आराम आराम से देखो बच्चों, वन से जस्ट पहले वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे वाई टू। भाई दोनों दोनों दो एसिम्प्टोट है तो दोनों पे ध्यान से करना पड़ेगा। अच्छा ग्राफ ऐसा बनेगा ना जब, तो यहां से भी कट कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो ये वाई एक्सिस की लाइन है जिसमें एक्स क्या होता है? जीरो। एक्स को जीरो डाल के देखो, वाई नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? एक्स को जीरो डालोगे तो वाई माइनस वन आ रहा है, यानी नीचे से कटेगा ऐसे, एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे वाई टू और एक्स के वन माइनस पे, वन से जस्ट पहले वाई माइनस इन्फिनिटी। दिस इज द डायग्राम, ठीक है? आराम से लिखो, दोबारा रिवाइंड करके समझो। मुझे पता है पहली बार में थोड़ा सा ग्राफ करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, डब्बा मेथड आई रियली डोंट वांट टू यूज, आई वांट यू पीपल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल मेथड, बड़ा मजा आता है बच्चों करने में, ठीक है? आप इसे लिखिए, इसके बाद मैं चाहूंगा आप कुछ सवाल और ट्राई कीजिए, जैसे पहला ट्राई कीजिए ये, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, उसके बाद एक्स प्लस टू अपॉन में थ्री माइनस एक्स और वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव। ट्राई बच्चों, ट्राई 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 ऑल थ्री, मैं भी करूंगा आप लोगों के साथ। ओके बच्चों, सो लेट्स ट्राई ऑल थ्री क्वेश्चंस। आई होप आप सब लोगों ने ट्राई किए हों, कुछ बच्चे ग्राफ ग्राफ बनाने में शायद से अटक गए हों, सो नहीं आएगा डाउट आपको, ध्यान से देखना प्लीज। ओके कोशिश करना, पहले अपने आप ट्राई करना। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में x माइनस वन, सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थ्री एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस वन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी व्हेन वी टेक x आउटसाइड वी हैव वन प्लस में थ्री बाय एक्स, एंड यहाँ से x लेंगे तो वन माइनस वन बाय एक्स, समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो वन आ गया, सॉरी वी हैव थ्री है ना, सो दिस इज थ्री प्लस वन बाय एक्स, ओके तो समथिंग माइनस इन्फिनिटी जीरो थ्री आ गया। बच्चों व्हेन वी टेक माइनस इन्फिनिटी वी हैव द सेम रिजल्ट, एनी डाउट एनीवन? श्योर? चल वर्टिकल, व्हाट इज वर्टिकल? वर्टिकल इज x इक्वल टू वन, चेक कीजिए लिमिट x बिलोंग्स टू वन प्लस क्या होगा, लेट x इक्वल टू वन प्लस h, गाइज वन प्लस h डालेंगे, जीरो डालेंगे, ये आ जाएगा बच्चों फोर प्लस h,
बाय एच, 4/0 इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस, आई होप आप सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम इसका काफ़ी हद तक पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके का ही है। ये रहा वाई बराबर 3 और ये रहा एक्स बराबर 1। बच्चों कैसे बनाते हैं डायग्राम बताओ। नाउ एक्स के इन्फिनिटी पे ऐसे शुरुआत करनी है, एक्स के इन्फिनिटी पे वाई अप्रोचेस टू 3, तो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई अप्रोचेस टू 3 इधर इन दिस वे और दैट वे, ठीक है ना। बट दोनों डायग्राम बन रहे हैं 1 से आगे 1 प्लस पे, और 1 प्लस पे ग्राफ कैसा परफॉर्म कर रहा है, y बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, तो ग्राफ ऊपर से आओगे ऐसे, ठीक है। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे y अप्रोचेस टू सॉरी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे y अप्रोचेस टू 3 और 1 से थोड़ा सा आगे पे y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली x के माइनस इन्फिनिटी पे y अप्रोचेस टू 3 इधर इन दिस वे और दैट वे, दोनों ग्राफ 1 से पहले बन रहे हैं 1 माइनस पे, सो 1 माइनस पे y अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी यानी यहाँ से, और x के माइनस इन्फिनिटी पे y 3। अब भाई यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, x को 0 डालो, y क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। सर डायग्राम बनेगा थोड़ा सा, इट्स जस्ट अ रफ स्केच, ठीक है, जस्ट अ रफ स्केच, नथिंग एल्स, ठीक है। आई होप बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो रिमाइंड करके डायग्राम को दोबारा से आराम से देख लीजिए। x के इन्फिनिटी पे y अप्रोचेस टू 3 ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है। इसको क्रॉस करके डायग्राम नहीं बना सकते बिकॉज ये वर्टिकल है, तो इसके अप्रोच में ही बनाने पड़ेंगे दोनों डायग्राम। आप दोनों डायग्राम में से एक ही लेना पड़ेगा बिकॉज 1 के आगे सिर्फ ग्राफ y इन्फिनिटी है और यही मैंने ऑपोजिट फॉलो किया, ठीक है। इसके बाद अगला ट्राई कीजिए। ओके बच्चों आई होप सेकेंड भी ट्राई किया आप लोगों ने, ठीक है, देख लीजिए प्लीज। जिन बच्चों से नहीं हुआ होगा वो जरा ध्यान लगा लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन में। ओके सेकंड में हॉरिजॉन्टल के लिए बच्चों क्या किया होगा आप लोगों ने, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस टू 3 माइनस एक्स, ऐसे कुछ किया होगा। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी व्हेन यू टेक एक्स आउटसाइड यह आएगा हेयर समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली आई होप माइनस इन्फिनिटी के लिए भी करोगे बच्चों, सो यू विल हैव सेम आंसर। आई होप समझ ही गए होगे अभी तक, जब ये सेम चल रहा है तो यू विल गेट हैव सेम आंसर। कैलकुलेट करके चेक कर लो। वर्टिकल पे आते हैं जी, वर्टिकल पे, वर्टिकल क्या है बच्चों, x बराबर 3, बिकॉज x बराबर 3 पे डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा और समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है वर्टिकल, x की फाइनाइट वैल्यू जिसपे y एक नॉट डिफाइंड आंसर देता है, ठीक है। देखिए जी सबसे पहले 3 प्लस पे चेक करेंगे बच्चों क्या आएगा, पहले x को डालेंगे 3 प्लस एच, फिर 3 प्लस एच प्लस 2 3 प्लस एच, ऊपर आ जाएगा क्या 5 प्लस एच अपॉन में माइनस एच, माइनस 5/0 विच इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आगे लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 3 माइनस, इसको सॉल्व करो बच्चों, वट यू विल हैव 5 माइनस एच अपॉन में प्लस एच 5/0 इन्फिनिटी। तो अब थोड़ा उल्टा आ रहा है, इससे पहले कुछ और आ रहा था अब कुछ और आ रहा है। देखो जी इधर डायग्राम बच्चों, y बराबर माइनस 1 ये रहा हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट और x बराबर 3 ये रहा वर्टिकल एजिम्प्टोट, ठीक है। अब बड़ा आराम से देखना बच्चों, देखो x के इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू माइनस 1 इधर इन दिस वे और दैट वे, है ना, और 3 प्लस पे ग्राफ कैसा परफॉर्म कर रहा है,
माइनस इन्फिनिटी, अब थोड़ा सा अलग है। सो तीन से आगे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी यानी दिस, और x के इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू माइनस वन, ये आएगा। बच्चों सिंपल है यार, तीन प्लस पे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और x के इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू माइनस वन ना, सो इन दिस वे, ठीक है, फाइन। आई एम सॉरी, मैंने गलती से काट दिया, माफी। आगे बच्चों, आगे x के माइनस इन्फिनिटी में y बिलोंग्स टू माइनस वन, इधर इन दिस वे और दैट वे, और तीन माइनस पे ग्राफ कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी, यानी ऊपर से आएगा। ऊपर से आएगा तो कैसे जी, ऐसे तीन प्लस पे y, तीन माइनस पे y बिलोंग्स टू प्लस इन्फिनिटी और x के माइनस इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू माइनस वन। अब यहां से भी आ सकता है, यहां से भी, यहां से भी, तो x को जीरो डालो, y क्या आ रहा है, टू बाई थ्री पॉजिटिव, सो इधर इन दिस वे, ठीक है, ये ओरिजिनल क्वाड्रेंट था, सो सिंपल। बच्चों इकोनॉमिकली ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इकोनॉमिकली अगर आप बच्चों को याद हो, आप लोग AFC कर्व बनाते थे, याद है AFC कर्व ऐसे बनता है, तो AFC कर्व हमेशा इस लाइन को अप्रोच करता है, तो दिस लाइन इज नथिंग बट एसिम्प्टोट्स टू दैट कर्व, दिस लाइन इज नथिंग बट एसिम्प्टोट्स टू दैट कर्व। याद करो y बराबर जीरो की लाइन होती है, एवरेज फिक्स वर्स कर्व। जिन्होंने अभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, बाकी जिन्होंने ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स पढ़ी है दे शुड नो। तो जो ए एफ सी जिसको बिलोंग करता है, x आउटपुट कितना ही बड़ा हो जाए, ए एफ सी अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है, तो दैट y बराबर जीरो लाइन इज नथिंग बट एसिम्प्टोट्स टू द ए एफ सी कर्व, ठीक है। चलो जी अगला शुरू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। देखो बच्चों, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव में पहले हॉरिजॉन्टल की ट्राई करेंगे, ट्राई समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, समथिंग बाय माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो जीरो। व्हाट इज वर्टिकल, वर्टिकल इज एक्स बराबर पांच। चेक करेंगे बच्चों, फाइव प्लस पे एक्स को डालेंगे बच्चों, फाइव प्लस एच, एच बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी, फिर एक्स बिलोंग्स टू फाइव माइनस माइनस, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल आ गया y बराबर जीरो, वर्टिकल आ गया x बराबर पांच। बच्चों ये y बराबर जीरो की लाइन होगी पूरी, तो यही हॉरिजॉन्टल है, और x बराबर पांच ये रहा, ये वर्टिकल है, ठीक है। अब सुनना, x के इंफिनिटी पे y बिलोंग्स टू जीरो और 5 प्लस पे y बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, 5 प्लस पे y इन्फिनिटी और x के इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू जीरो, तो x एक्सिस की लाइन को बिलोंग करेगा। 5 माइनस पे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और x के माइनस इन्फिनिटी पे y बिलोंग्स टू जीरो, ऐसे जाए, बहुत ही सरलता से इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ओब्लीक और स्लांट एसिम्प्टोट्स, पहले आप इसको लिखिए, ओके बच्चों। सो इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है वो आता है ओब्लीक और स्लांट एसिम्प्टोट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ओब्लीक और स्लांट एसिम्प्टोट्स। अभी तक के एसिम्प्टोट में ना लाइन या तो ऐसे जा रही थी या ऐसे जा रही थी, ठीक है, अब लाइन ऐसे जाएगी, स्लांट, फाइन। तो कब पता लगेगा स्लांट एसिम्प्टोट लगेगा, सिंपल, व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
बच्चों अगर आपके पास एक फंक्शन है लाइक दिस, जहां आपको पता है न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होनी चाहिए, एक ही ज्यादा होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा मतलब दो ज्यादा हो तीन ज्यादा हो तो ओब्लिक का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस सी बाय एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। इसमें जो लीनियर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ओब्लिक एजम्प्टोट। इसमें जो बच्चों लीनियर पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग ओब्लिक एजम्प्टोट, ठीक है। अभी समझ में आएगा अच्छे से। और अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ओब्लिक एजम्प्टोट अकर करता है तो हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट। हॉरिजॉन्टल कतई कभी नहीं अकर करेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं जी। आगे आगे के कंसेप्ट में आते हैं बच्चों। क्या है जी आगे कंसेप्ट? लेट अस सपोज आपके पास क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, देखो प्लीज क्या है। देखो न्यूमरेटर की पावर दो है, डिनोमिनेटर की पावर वन है, और न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है तो ओब्लिक का कंसेप्ट अकर करेगा। बच्चों आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वन बाय एक्स। इसमें जो लीनियर पार्ट होता है लीनियर, उसे कहते हैं ओब्लिक एजम्प्टोट, ठीक है फाइन। अब अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल निकालना चाहूं सो मैं लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी करूंगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स इन्फिनिटी प्लस वन बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा, और लिमिट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी करूंगा हॉरिजॉन्टल माइनस इन्फिनिटी है फाइन। तो बच्चों याद करो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डाल के वाई की वैल्यू फाइनाइट आया करती थी, है ना। अब देयर इज नो फाइनाइट वैल्यू दैट इंडिकेट्स हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइन। क्लियर टू एवरीवन? कम टू वर्टिकल। वर्टिकल इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाई इज नॉट डिफाइंड। तो किस वाई पे, किस एक्स पे वाई नॉट डिफाइंड आएगा? जीरो पे। तो वर्टिकल एजम्प्टोट इज नथिंग बट एक्स बराबर जीरो। सो गाइज लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो प्लस चेक कीजिए क्या होगा, और लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस चेक कीजिए क्या होगा। ये सब पता है सबको कैसे करते हैं, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। आपको सिखाया है बच्चों मैंने कैसे करते हैं पिछले क्वेश्चंस में, जीरो प्लस है जीरो माइनस एस डाल के फिर एच अप्रोचेस टू जीरो करके यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। अब जरा सारे बच्चे डायग्राम पे फोकस करेंगे। ओब्लिक क्या है? वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स की लाइन आई होप सबको पता हो ऐसे जाती है। वर्टिकल है एक्स बराबर जीरो, यानी है इसके लिए थोड़ा सा एक डब्बा मेथड यूज कर लीजिए, कंसेप्ट से ज्यादा अच्छा डब्बा मेथड इसमें और मेथड फॉलो करता है। वर्टिकल एक बारी वर्टिकल के आगे की एक दो वैल्यू डालिए, वन लो क्या आएगा, वन डालोगे या तो वन प्लस वन बाय वन टू, टू लो टू डालोगे तो क्या आएगा टू प्लस वन बाय टू, जीरो पॉइंट फाइव लो क्या आएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन बाय जीरो पॉइंट फाइव। देखो बच्चों वन पे वैल्यू आ रही है टू, अच्छा वन पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी ना, तो वन पे टू आ रहा है तो ऊपर चले जाएंगे फाइन। टू पे वैल्यू कितनी आ रही है टू पॉइंट फाइव समवेयर हेयर, पॉइंट फाइव पे भी टू पॉइंट फाइव समवेयर हेयर। इसका डायग्राम कुछ ऐसा पैराबोलिक फॉर्म बन जाएगा। बच्चों देखो जीरो प्लस पे वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये भी एक एजम्प्टोट है, तो x के इन्फिनिटी पे या x के आगे जाने पे ये वाला ग्राफ इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो दो तीन पॉइंट लेके ग्राफ ग्राफिकल फिगर पता लग जाए कहाँ पैराबोला बेंड करेगा, इस तरीके से बेंड होता हुआ जाएगा। एक बारी वर्टिकल के आगे की दो तीन वैल्यूज डाल लो, वर्टिकल के पीछे की दो तीन वैल्यूज डालोगे माइनस वन माइनस टू माइनस पॉइंट फाइव डालोगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा, एक रफ स्केच ही बनाना है आप लोगों को। बच्चों ये रहा एक एजम्प्टोट,
और ये रहा एक एजम्पटोट, आप चेक कर लीजिए ग्राफ दोनों को अप्रोच कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। सो सिंपल, ठीक है। एक और करेंगे क्वेश्चन इसका, पहले आप इसको आराम से लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर भी डाउट आता है तो मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपका आपको पता लग जाए ओब्लिक अगर कर रहा है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल निकालना इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपको पता लग जाए ओब्लिक अगर कर रहा है तो, ठीक है। सुनो बच्चों, क्वेश्चन है, मान लो ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, अगेन इसकी पावर टू इसकी वन है, बट ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या करो, डिवाइड कर लो, x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस वन से करेंगे माइनस एक्स माइनस वन। माइनस एक्स कट जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा। याद है कैसे लिखते थे हम लोग, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, है ना। व्हाट इज द लीनियर पार्ट, ओब्लिक एजम्प्टोट, सो सिंपल, ठीक है। हाउ यू विल फाइंड वर्टिकल, अच्छा एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ओब्लिक का, और जब तक एग्जामिनर ग्राफ बनाने को ना बोले तब तक कोई बच्चा ग्राफ नहीं बनाएगा, डायरेक्ट एजम्प्टोट निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। व्हाट इज वर्टिकल, अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर कहो सर ग्राफ ना बनाए तो कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक भी एक धेले का नंबर नहीं मिलना चाहिए तुम लोगों को, फाइन। जब बोले ग्राफ बनाने को तो बनाना, आधा छोड़ के क्यों आओगे, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फाइन। तो प्लीज़ करो ग्राफ बनाओ, हाँ अगर एग्जामिनर नहीं मांगा तो बना के मत आना ज़बरदस्ती, बट वैसे बना के आना, कुछ बच्चों को ग्राफ से डर लगता है, प्लीज़ उन्हें डर को हटाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। वर्टिकल एजम्प्टोट इज एक्स बराबर माइनस वन, सी माइनस वन प्लस पे क्या होगा, क्या होगा जी, फिर माइनस वन माइनस पे क्या होगा, ये आप चेक कर सकते हैं स्वयं, स्वयं मतलब योर सेल्फ, यू कैन चेक, ये प्लस इन्फिनिटी आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। डायग्राम देखिएगा गाइज, ओब्लिक क्या है, वाई बराबर एक्स माइनस वन, तो इसमें x को जीरो डालोगे y माइनस वन आएगा, और x को वन डालोगे y जीरो आएगा, स्ट्रेट लाइन बना दो आराम से, वर्टिकल x बराबर माइनस वन, ये रहा। अब देखो ये एक एजम्प्टोट है और ये एक एजम्प्टोट है, तो ग्राफ इसको भी अप्रोच करेगा इसको भी करेगा, ऐसे करेगा अप्रोच, अब ऐसे अप्रोच करेगा तो इस लाइन को कहाँ पे कट करेगा वो चेक करना है हम लोग, ठीक है। ये याद करो ओरिजिनल y एक्सिस की लाइन है, जहाँ पे x क्या होता है जीरो, आप x को जीरो डालो y क्या आएगा, जीरो आएगा। डब्बा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको पता है माइनस वन प्लस पे y इन्फिनिटी है तो ऐसे ही आएगा, और ये भी एजम्प्टोट है तो इसको भी करेगा, तो x को जीरो डाल के y जीरो आ रहा है, यानी ग्राफ नीचे नहीं गिरेगा, ऐसे चला जाएगा, नीचे गिरेगा भी नहीं ना, आप x को कितना भी बड़ा नेगेटिव डाल लें ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो प्लस कर देगा उसको, और x के जीरो पे y जीरो आ रहा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही आ रही है, फाइन। और बट अगर x को जीरो पॉइंट समथिंग या माइनस वन से पीछे की वैल्यूज पे आप लोग निकालना चाहो, जैसे माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस नाइन वगैरह भी डाल के इसको सॉल्व करना चाहो, एक डायग्राम तो ये आपके पास आ जाएगा जब आपने माइनस वन से आगे की दो तीन वैल्यूज डाली वाई में। अगर आप माइनस वन से पीछे की दो तीन वैल्यूज डालेंगे तो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। माइनस की वैल्यू डाल, इसमें आप माइनस वन से आगे की कोई माइनस जीरो पॉइंट समथिंग डालेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जैसे माइनस जीरो पॉइंट थ्री और माइनस जीरो पॉइंट थ्री प्लस वन, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा पॉजिटिव आएगा, बट माइनस वन से पीछे की वैल्यूज अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस नाइन वगैरह कुछ भी डालेंगे फाइन, तो वाई वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी क्योंकि नीचे वाला माइनस चलेगा। तो इससे पहले की जो मैंने लैंग्वेज यूज़ की थी ना कि हमेशा पॉजिटिव होगा, वो मैंने यूज़ किए जब माइनस वन से जीरो की वैल्यूज आएंगे, ठीक है। जब आप माइनस वन से पीछे की वैल्यूज डालोगे दो तीन तो ग्राफ ऐसा बनेगा, चेक कर लो यार, माइनस वन माइनस पे वाई माइनस इन्फिनिटी, और ये भी एजम्प्टोट है तो उसको भी अप्रोच करना,
ठीक है। डब्बा मेथड ही बना सकते हो, मैंने तो फिलहाल अभी कंसेप्चुअली बना दिया, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। माइनस वन प्लस में इन्फिनिटी, ये एक एसिम्प्टोट है, आप सीख चुके हो पिछले क्वेश्चन से। इसको अप्रोच करेगा, गिरते हुए अप्रोच करेगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एक्स को जीरो डाला तो वाई जीरो आ रहा है, तो यहाँ से आएगा। फाइन, एनी डाउट एनी वन? ठीक है, ओके। सो माइनस वन से जीरो के बीच पॉजिटिव वो मैंने आपको बता दिया, इससे पीछे नेगेटिव वो भी आपको बता दिया। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अभी इसके आगे और एक लेक्चर कंटिन्यू होगा जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि बिल्कुल इससे रिलेट करेगा, तभी मैं एसिम्प्टोट्स के साथ वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ। पेपर में अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा है तो उस मेथड से करना जो अभी हम करने वाले हैं, और एसिम्प्टोट्स लिखा हुआ है तो अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, जो आप लोगों ने अपना समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, फाइन, उस समय को यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब तक आप इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, सो नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो सबसे पहले आई विल राइट द डेफिनेशन। इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ऑलवेज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एक ही डिस्टेंस है ना, ओके बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप ध्यान देना बच्चों, कुछ ऐसी होती है जो कि इकोनॉमिक्स में आपका इंडिफरेंस कब होता है, इंडिफरेंस कब बनाते हो ना आप लोग, और भी आगे आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे जिसमें आइसो क्वांट बनेगा, ऐसा बनता है। फाइन, एएफसी कर्व ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सी, पता है, सबसे पहले आराम से सुनना मेरी बात। आपका ग्राफ जिन दो लाइन को, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, अप्रोच करेगा, उन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर बनेगा उसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर किया जाएगा। सो सिंपल, यानी ये इन दोनों का अप्रोच कर रहा है, ये लीजिए लोकस सम पॉइंट ए, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ए बोला, ये बी हो गया, तो इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम म्यूचुअली टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस ये आ रहा है, इन दोनों डिस्टेंस से जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ग्राफ से, अगर एक्चुअली में एक्सिस पे कट करते हो, एक्सिस इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब एक्सिस पे कट करते हो तो एक्स वैल्यू आती है, वाई वैल्यू होती है। देखो यहां आ जाओ, ये दो है मान लो, ये तीन है, यहां से यहां कट किया तो x की वैल्यू दो, और ये कितना हो गया x की, y की वैल्यू तीन। पॉइंट से डायरेक्टली एक्सिस पे कट करते हो तो x और y मिलते हैं। ठीक है, सो अभी एक चलो x y पे बाद में आते हैं। मान लो ये पॉइंट है सम p डैश, दिस इज सम a डैश, दिस इज सम b डैश, अगेन p डैश a डैश इनटू p डैश b डैश इज नॉट c डैश, इज c अगेन। आप किसी भी लोकस से इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन निकालोगे, वो एक सिंगल कांस्टेंट आंसर देगा, और वही कांस्टेंट आंसर देगा जो कि पहले आया है। ऐसा क्यों? बड़ा ही सरल सा जवाब है इसका। आप यहां से यहां मूव किए, आपको पता है आपका एक्स बढ़ गया बट आपका वाई कम भी तो हो गया। आईसीज में याद करो बच्चो, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक गुड़ ज्यादा खाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा। फाइन, सो पी ए पी डैश ए डैश, अच्छा अगर आप चाहो तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, ये एक्स है, ये वाई है और ये सी है। भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स और ये डिस्टेंस वाई, एक्स वाई।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शोज एक्स वैल्यूज, वर्टिकल डिस्टेंस शोज वाई वैल्यू, ठीक है। अच्छा ग्राफ ऐसा ना हो कि ग्राफ ऐसा होगा हमारे पास, कैसा जी? ऐसा जी, ऐसा जो मैं बनाने वाला हूँ। मान लो ये ओरिजिनल क्वाड्रेंट है, इसको ऐसे बंद कर दो। ये एक लाइन है बच्चों x बराबर h, और ये एक लाइन है y बराबर k, और मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सप्लेनेशन है जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। अब डायग्राम इस लाइन को अप्रोच कर रहा है और इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसे कंसिडर करेंगे। ये हो गया P, ये हो गया A, और ये हो गया B। सो अब इफ आई विल राइट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ग्राफ जिन दो लाइन को अप्रोच करेगा उन्हें ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। और अगर अभी आपने पिछला पार्ट पढ़ा हुआ है, ग्राफ जिन दो लाइन को अप्रोच करेगा वो लाइन ही ग्राफ पे क्या कहलाएंगी? आवाज़ आपकी मेरे तक आ नहीं पाएगी, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, मन की आवाज़ सुन रहा हूँ आपकी, एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट है ना जी। इसको भी अप्रोच कर रहा है, इसको भी अप्रोच कर रहा है। अच्छा पी ए इज नॉट एक्स, ये पूरा पार्ट एक्स है। एक काम करते हैं, इसको ओ दे देते हैं और इसको एम दे देते हैं। क्या पी ए को लिख सकते हैं हम लोग? पी ए को लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ ए, पी बी को लिख सकते हैं पी एम माइनस बी एम। पी ओ है कितना? एक्स है। ओ ए कितना है? ओ ए कितना है? कितना डिस्टेंस? एच है ना। पी एम कितना है? वाई है। और बी एम कितना है? के है। ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, जिसमें x बराबर h और y बराबर k, ये हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है देखो, और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो बच्चों आपको ना, कुछ बच्चे एसिम्प्टोट्स को इस तरीके से पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना लिखा है तब तक ऐसे मत करना। ऐसे तभी करना जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की मदद से डायग्राम बना। जब एसिम्प्टोट वर्ड लिखा हो तो वैसे ही करना जैसे पहले पढ़ा है, इतना हाथ जोड़ के रख लिए, प्लीज़ ऐसे ही करना, ठीक है, तभी दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एंड बच्चों जो एच और के है ना, वो है सेंटर ऑफ आर एच, सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इन्हें सेंटर भी बोलते हैं। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, क्या? पहला, If C is positive, then RH is rectangular hyperbola is drawn in first and third quadrant. And if C is negative, then RH is drawn in second and fourth. अगर C पॉजिटिव है तो RH बनेगा फर्स्ट और थर्ड में, और अगर C नेगेटिव है तो RH बनेगा सेकंड एंड फोर्थ में। देखो सिंपल है ना, C दोनों का प्रोडक्ट होता है। जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में X और Y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में X और Y दोनों नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर C नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, C नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड या फोर्थ, सेकंड में Y पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा। फोर्थ में X पॉजिटिव होता है, Y नेगेटिव होता है, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप पहले ये लिखिए, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, बिलीव मी गाइस, आपको एक ढेले की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप पहले ये लिखिए। ओके बच्चों, लेट्स डू द क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा प्लीज ध्यान से किस तरीके से इसके डायग्राम बनाते हैं और कैसे फॉलो करते हैं एवरीवन। देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 2xy माइनस पे 8x माइनस पे 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे एक्स वाई के प्रोडक्ट में एक्स और वाई अलग से होते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस एच और वाई माइनस के बनाने के लिए सबसे पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 बनाइए। तो बच्चों एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। अब आप इसमें एक्स कॉमन लीजिए तो क्या आएगा? वाई माइनस 4। फिर आप 2 कॉमन लीजिए, वाई माइनस 4। अब आपको लग रहा हो ये मैंने कैसे कर दिया,
मैंने प्लस एट कर दिया बैलेंसिंग के लिए, सॉरी नॉट प्लस एट माइनस एट। बच्चों एक्स माइनस, मैं चाहता हूँ यहाँ भी वाई टू कॉमन लूँ तो वाई माइनस फोर नजर आए, तो मैंने अपनी तरफ से एक तरह से प्लस एट कर दिया बैलेंस के लिए, फिर मैंने माइनस एट भी कर दिया। सिंपल ये आ गया बच्चों एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू में नाइन। ठीक है आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक्स बराबर दो इज वर्टिकल एजिम्प्टोट और वाई बराबर चार इज हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल याद है ना, अभी बताया था इसको जीरो रख के एच आता है, इसको जीरो रख के के आ जाएगा। अब जब डायग्राम आप बनाने जाओगे बच्चों, सो डायग्राम बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास y बराबर चार है और x बराबर दो है, ये रहा ओरिजिनल क्वाड्रेंट और ये रहा परपेंडिकुलर वाला। अब पता है क्या है बच्चों, जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम बनाते वक्त आप लोगों के जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट बने हैं उन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के इंटरसेक्शन को ले एक डमी क्वाड्रेंट बना के डायग्राम बनाओ। डमी मतलब इस पूरे को पहला मानो, ये ओरिजिनल है, ये पूरा पहला मानो, ये पूरा दूसरा क्वाड्रेंट, ये पूरा तीसरा क्वाड्रेंट, ये पूरा चौथा क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सो सिंपल। सी पॉजिटिव आ रहा है, क्या बताया था मैंने, पहले में और तीसरे में बनेगा, तो पहले में बनेगा तो इन दोनों लाइन को अप्रोच करेगा तो ऐसे अप्रोच करेगा, तीसरे में बनेगा तो इसको और इस लाइन को अप्रोच करना है तो ऐसे अप्रोच करेगा। अब ऐसे अप्रोच करेगा तो ऊपर से करेगा, नीचे से करेगा, यहाँ से जाएगा, तो उसके लिए क्या करो, एक्स को जीरो डाल लो, एक्स को जीरो डाल के वाई नेगेटिव आ रहा है तो नीचे, बच्चों वाई नेगेटिव ओरिजिनल क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना है। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है, जो आपने एजिम्प्टोट बनाया उनको डमी क्वाड्रेंट मान के उसके बेसिस पर डायग्राम बनाना, बिकॉज जो सी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो सी पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये दोनों पॉजिटिव आएंगे तो सी पॉजिटिव आएगा, या ये दोनों नेगेटिव आएंगे तो सी पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों को लेके एक्स माइनस टू और वाई माइनस फोर से जो बना है उसको क्वाड्रेंट आपको लेके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का चित्र बनाना है, चित्र मतलब डायग्राम बनाना है। ठीक है समझ में आया, ठीक है रिमाइंड करके देख लो सबसे आसान तरीका। ठीक है बच्चों आराम से इसको करने के बाद, ओके बच्चों आरएच के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक विल बी ओवर। ठीक है देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास 5xy माइनस 10y माइनस 10x माइनस 15y प्लस 15 इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस एक्स। ये दो सवाल है बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है देखिएगा प्लीज ध्यान से। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, कोशिश कीजिए पहले बच्चों खुद ट्राई मारिए, फिर कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। x कॉमन लो y माइनस टू, माइनस 3 कॉमन लो y माइनस टू, प्लस 6 किया तो माइनस 6 प्लस 3, एक्स माइनस 3 y माइनस टू बराबर 3। इसका डायग्राम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके से बन जाएगा, देख लो x बराबर 3 y बराबर 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, c पॉजिटिव है तो फर्स्ट में और थर्ड में ऐसे जाएगा, x को जीरो डाल लो, y क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, सो सिंपल। ठीक है सेकेंड वाले में क्या करेंगे बच्चों, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4y क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको उधर शिफ्ट कर लो, एक्स वाई माई प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 3 0, गाइस x कॉमन लो y प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लो माइनस 4 कॉमन लो y प्लस 1 माइनस 4 किया बैलेंसिंग के लिए, प्लस 4 करना पड़ेगा, सो x माइनस 4 y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है डायग्रामेटिकली बच्चों ये रहा y माइनस 1 और ये रहा x बराबर 4, फर्स्ट देखो बच्चों ये पूरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है
अब ये बनेगा कहाँ कहाँ, ये ओरिजिनल क्वाड्रेंट है, बनेगा नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में, ये रहा सेकंड, इसको भी अप्रोच करेगा, उसको भी करेगा, अब ऐसे अप्रोच करेगा, ऊपर से भी कर सकता है, यहाँ से भी, नीचे से भी, एक्स को जीरो डालो, वाई क्या आ रहा है पॉजिटिव, और फोर्थ में बनेगा, फोर्थ में बनेगा ऐसे, ठीक है। सो बच्चों आई हैव डन एसिम्प्टोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ यू पीपल, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग इट, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल पे पूछ सकते हो, नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, नमस्ते।